Hello. Happy International Yoga Day to all of you. I am a gynecologist and a yoga practitioner. Yoga is not just body exercises, some body postures. It is our way of life. जो लोग योगा प्रैक्टिस करते हैं वो समझ सकेंगे योगा करने के बेनिफिट्स कितने हैं. एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैं आपसे कहना चाहूँगी, योगा हमारे बॉडी के लिए ही नहीं, हमारे माइंड को पीसफुल रखने के लिए भी बहुत ज़रूरी है. और बहुत सी बीमारियाँ जैसे कि इरेगुलर मेंसेस, हार्मोनल इम्बैलेंस, यंग गर्ल्स में PCOD, इनफर्टिलिटी, स्मूथ प्रेगनेंसी और रिकवरी आफ्टर प्रेगनेंसी, इन सभी चीज़ों में योगा का बहुत योगदान है. और उम्र के साथ, जैसे 40 साल की उम्र के बाद जब मेनोपॉज़ल चेंजेस आने लगते हैं, ओल्ड एज में जब आर्थराइटिस से जॉइंट्स में स्टिफनेस आने लगती है, हर एज में, हर सिचुएशन में योगा हेल्प्स यू. और आजकल एंग्जाइटी इतनी ज़्यादा है, स्ट्रेस है लोगों को, उसके लिए कुछ प्राणायाम आप ज़रूर इंक्लूड करें अपने डेली शेड्यूल में. सो मेक इट अ पार्ट ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट वन डे इवेंट, नॉट ऑन एन ओकेजन, बट योगा शुड बी जस्ट लाइक स्लीपिंग, ईटिंग एंड गोइंग टू वर्क. इट शुड बी अ डेली पार्ट ऑफ रिचुअल. मैं आपको एक टिप दूंगी, जैसे हम लोग कई बार होता है कि अरे आज तो ऑफिस से लेट हो गया, तो आई मिस्ड माय योगा. आई वुड सजेस्ट डू इट एज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, गोइंग बैक टू गेटिंग अप अर्ली. बट फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग इफ यू हैव डन योर योगा, यू हैव डन जस्टिस विद योर बॉडी. सो रेस्ट ऑफ द डे ऑफ कोर्स विल बी टेकिंग अ टॉल ऑन यू, एंड यू विल बी एबल टू बियर दैट स्ट्रेसफुल सिचुएशन इन अ बेटर वे. तो हेल्थ में इन्वेस्ट ज़रूर करें, ऐसा ना हो उम्र निकलने के बाद फिर हमको सारी वेल्थ हमारी हेल्थ को करेक्ट करने में लग जाए. So please exercise regularly. Inhale, lift up. Exhale, hips up. Inhale, left leg forward.